हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे विंडोज़ का फास्टेस्ट सर्चिंग सॉफ्टवेयर एवरीथिंग सर्च। हम गूगल पे सर्च करेंगे एवरीथिंग सर्च डाउनलोड, जिसमें उसके ऑफिशियल लिंक पर जाएंगे वॉइड टूल्स, जिसमें हम देखेंगे कि 64 बिट का डाउनलोड है, ये 32 बिट का डाउनलोड है, और नीचे में भी अलग अलग लैंग्वेजेस में या फिर मल्टी लैंग्वेजेस का सेटअप दिया हुआ है। मल्टी लैंग्वेजेस के सेटअप हैं और ये इंग्लिश के। और ये पोर्टेबल सॉफ्टवेयर से विदाउट इंस्टॉल आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा विंडोज़ 10 64 बिट का है, तो मैं 64 बिट की फ़ाइल डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड का विंडो आने पर कहाँ फ़ाइल सेव करनी है वहाँ सेव कर देंगे। ये छोटा सा सेटअप है कुछ KBs में, तो वहाँ पर जाकर आप डबल क्लिक करें या फिर क्रोम के नीचे में ही आप क्लिक करके सेटअप चालू कर सकते हैं। आई एग्री, नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पर आप राइट क्लिक, किसी भी फाइल पर राइट क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेनू में अगर एवरीथिंग ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करिए। ऊपर में मैंने चेक अपडेट्स के लिए भी क्लिक कर दिया है। सेटअप जल्दी पूरा हो जाएगा और हम इसे स्टार्ट करके चेक करते हैं। नीचे में देखिए, इतने जल्दी पूरे मेरे कंप्यूटर के 1 TB हार्ड डिस्क का, उसने 1.5 TB, एक्चुअली 1.5 TB हार्ड डिस्क का इंडेक्स बना लिया। और हम देखेंगे यहाँ पर व्यू में, जैसे अभी माउस ओवर नहीं दिख रहा है, जैसे एक फाइल जैसे सिलेक्ट की उसका डायरेक्टली उसमें नहीं दिख रही है, तो मैंने माउस ओवर का इनेबल किया। अभी सिलेक्ट करने पर वो कहाँ पर है फाइल, उसका पाथ हमें आसानी से पहचान में आ जाता है कि फाइल सिलेक्ट है, फोल्डर सिलेक्ट है, तो वो कहाँ पर है। अब हम यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं और उसका एक्सटेंशन डाल .mp4। तो पूरे कंप्यूटर में जहाँ पर भी .mp4 फाइल है, मतलब mp4 वीडियो फाइल है और उस में मूवी लिखा हुआ है, तो वो सभी फाइल आगे में आ जाती है। .mp3 और .mp4 एक्सटेंशन, ऐसे दो एक साथ नहीं यूज़ कर सकते। तो ये सभी mp4 फाइल्स, अगर नेम हटा दिया तो सभी mp4 फाइल्स आगे में आ गई। अभी कुछ दूसरा ट्राई करते हैं। शू डॉट स्पेस देकर एक .pdf एक्सटेंशन डालना है, तो वो PDF फाइल आगे में आ गई। और MP3, अगर कोई MP3 फाइल बीच में स्पेस देना है एक्सटेंशन, मतलब अगर बिना स्पेस दे करे तो लास्ट में ही कीर्तन .mp3 ऐसा ही आएगा। अगर स्पेस देते हैं तो बीच में अगर कुछ भी लिखा है तो वो सभी फाइल आगे में आ जाती है। अभी ऑप्शन में जाकर आप देखेंगे कि NTFS जो अपने ड्राइव्स रहते हैं वो सभी सिलेक्ट है। ऑटोमेटिकली रिमूव ऑफलाइन ड्राइव्स, इंक्लूड रिमूवेबल ड्राइव्स एंड हार्ड ड्राइव्स जो कंप्यूटर में फिक्स्ड रहते हैं। और नीचे में ये सब ऑप्शन सेलेक्ट रखना है, या पर आप
अलग से एक आध फोल्डर भी सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। जैसे कभी अगर पेन ड्राइव वो नहीं ले रहा है तो रिमूवेबल सिलेक्ट होने पर भी, तो अपन मैनुअली पेन ड्राइव सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक फोल्डर का एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, फोल्डर सिलेक्ट किया है, या फिर डीवीडी ड्राइव वगैरह आप नहीं लिया है उसने, तो अपन मैनुअली ऐड कर सकते हैं। एक्सक्लूड जो फाइल्स एंड फोल्डर्स या ड्राइव्स अपने को नहीं चाहिए वो आप यहाँ पे एक्सक्लूड करके रख सकते हो, जो वो सर्च नहीं करेगा। यहाँ पे स्टेटस बार पे आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करके उसका रिजल्ट देख सकते हो। जैसे दो कलर में जल्दी से जल्दी उसका पाथ देखने में इजी जाता है, और कितने फोल्डर सिलेक्ट किए हैं वो सब आप देख सकते हो नीचे में। फाइल एंड फोल्डर्स सभी कर आ जाएगा, और कोई फाइल अगर सिलेक्ट करते हैं तो फाइल की साइज़ भी आप देख सकते हैं। जैसे मैं अभी एक फाइल की उसकी साइज़ नीचे में दिखा रहा है, और पाथ भी दिखा रहा है कि कहाँ पर है वो। एवरीथिंग ये फ्री सॉफ्टवेयर है। ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर और अन्य ट्यूटोरियल के बारे में जानने के लिए आप मेरा चैनल NNSST ज़रूर सब्सक्राइब करें।